हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कन्वेंट प्राची क्रेजी वीडियो। दोस्तों, आज हम आए हैं अपने गांव घूमने के लिए। तो हम आज खेतों में आए हैं जहां हमारे परिवार वाले सरसों की कटाई कर रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि सरसों की कटाई कैसे की जाती है और घर वाले कितनी मेहनत से इसकी कटाई करते हैं। पहले तो इसको बच्चों की तरफ पाल पोस के इतना बड़ा किया, फिर इसकी कटाई कर रहे हैं। तो आज हम खेतों में आए तो सोचा थोड़ा वीडियो बना लेते हैं इसी के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि कितनी मेहनत से ये सरसों की कटाई की जाती है। चलो दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारी मम्मी जी हैं जो सरसों को पहले काट रही है दराती से। ये जो हाथ में पकड़ा हुआ जिससे काट रही है, इसको दराती बोलते हैं हमारे यहाँ पे। आपके इसको क्या बोलते हैं ज़रा कमेंट्स करके बताना हमें भी। इस दराती से ये सब पौधों को इकट्ठा करके थोड़े थोड़े उनको एक साथ काट के इकट्ठा रखते हैं। देखना, मम्मी रखेंगी जहाँ पे ऐसे इकट्ठे काट के। ये देखो, यहाँ पे ऐसे इकट्ठे रखते हैं। तो बहुत ही मेहनत लगती है इसमें और हाथ का भी ध्यान रखा जाता है। कई बार हाथ भी कट जाता है इस दराती से और खून भी आता है उसमें बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही मतलब उससे सफाई से काटा जाता है इनको। कई बार हाथ कटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगती है इसमें। तो हम आपको यही दिखाना चाह रहे थे कि देखो कितनी मेहनत से काटा जाता है ये दोस्तों। तो इसके बाद जब ये सारे इकट्ठे मम्मी काफ़ी काट देंगी तो एक साथ मतलब पूरा इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद इस सबको उठा के दूसरी जगह हम ले जाते हैं। हम आपको चलो दिखाते जहाँ उठा के ले जाते हैं इसको। ये देखिए, ये पापा जी लाए हैं उधर से उठा के, जहाँ पहले ऑलरेडी काट के रखा हुआ था। ये कल शाम को कटाई की थी उसका बच्चा वैसा, जो आज सुबह इकट्ठा कर रहे हैं। और ये देखिए, आपको और दिखाते हैं दूसरे एंगल से। ये देखिए, पापा जी लगा के आए हैं और जो कटा हुआ हिस्सा वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, भाई जो उठा के ला रहे हैं उधर से, ये कल शाम की कटाई हुई थी वही उठा के लाए हैं उधर से। तो इसको उठा के लाएंगे यहाँ पे और एक से इकट्ठा करते हैं सबको। जहाँ इकट्ठा, देखिए तीन चार जगह से एक साथ उठा के ले जाता, ताकि मेहनत बार बार ना आना पड़े। और इनको उठाते टाइम थोड़ा देखना पड़ता है, जो ये कप इसके सरसों के नीचे जो बच जाते हैं ना, हमारे यहाँ इनको कई जगह इनको लकड़ी बोलते हैं, हमारे दासे बोले जाते हैं हरियाणा में। तो इनको उठाते टाइम इनसे बचना ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये आँख में मुंह पे कहीं भी लग जाते हैं और कई बार तो आँखों के अंदर भी घुस जाते हैं। ये स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं, हाथ भी छिल जाते हैं इसमें। तो देखिए, जहाँ से उठा के ले जाएंगे और पूरे खेत का एक जगह इकट्ठा किया जाता है ये सब। चलो हम आपको थोड़ा नज़दीक ले जाके दिखाते हैं जो इकट्ठा करके रखा हुआ उस पोर्शन को। ये देखिए, पापा और भाई दोनों जाते हुए उस साइड, हम भी आपको लेके चलते उसी साइड। ये देखिए, आपको जो दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, ये एक साथ इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये पूरी सरसों की जो से निकलती है सरसों, वो वाले ऐसा, ये देखिए पूरे इकट्ठा करके रखा जाता है। इसको हमारे खाता बोला जाता है, कि मतलब जहाँ एक साथ इकट्ठा पूरा सरसों लगाया जाए, उस खाता बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, सब सरसों पूरे खेत की लगा रखी है। अब मैं आपको चार तरफ से फिर दिखा देता हूँ इसको, इस एंगल से। ये देखिएगा जी, पूरा आराम से लगा रखा है, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं है। पूरा अच्छी तरह से लगाया जाता था कि इधर उधर दाने ना बिखरे इसके, क्योंकि बाद में धीरे धीरे दाने निकलने स्टार्ट हो जाते हैं इसमें, जैसे सूखती जाती है। ये देखिए कितनी मेहनत लगती है ये सबको उगाने में, पानी देने में, इसका नला उगड़ाव सब किया जाता है। कितनी मेहनत से मतलब बिल्कुल बच्चों तरह पाल पोस के बड़ी की जाती है, तब जाके मतलब किसान को एक मेहनत का अपना फल मिलता है। और मेरे साथ हमारे बच्चे भी आए हुए, देखिए इनकी मस्ती देखने पर, कैसे मस्ती कर रहे हैं बच्चे। चलो इन्हीं की आवाज में सुनते हैं इनकी मस्ती। देखो ये भर गया ग्लास, अब देखो देखो राची, तुम भी दिखाओ। राची क्या कर रही है भाई? वाह, देखो मैंने क्या बनाया है, देखो देखो ये जूस पीने का, देखो देखो हम भी जूस आ रहा है। हां हां, मिट्टी आ रही होगी। ये देखो प्राची, ये क्या कर रही प्राची तू? प्राची क्या बना रही है भाई? ऊपर मुंह करो, हेलो करो, हेलो, ऊपर मुंह करके दिखाओ। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना हमें। और वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर हमारे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और देखने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। और ये देखिए पीछे बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं अभी तक हमारे साथ ही। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय।